तो दोस्तों आज की वीक कैसे ग्रो करें, तो मेरे पास कुछ सीड पड़े हुए हैं और जैसे कि आपको पता है कि आंवला हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। आंवले में काफ़ी औषधीय गुण होते हैं। आंवले के गूदे, जो गूदा होता है, उससे कई चीज़ों में हमें राहत मिलती है, जैसे कई बीमारियों से हमें राहत मिलती है। आंवला ज़्यादातर आपने देखा होगा बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आंवला ज़्यादातर आपने देखा होगा हमारे फेस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और आंवले के रस से हमारे पेट में भी काफ़ी आराम मिलता है। ये देखो, जैसे कि आप देख रहे होगे मेरे पास आंवले का ये सीड है, ये उबला हुआ सीड है जिसकी वजह से, और इसको सुखाया गया है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नरम हो चुका है और इजीली टूट जा रहा है। नहीं तो अगर ये कच्चा होता या इसको उबाला ना होता तो ये इजीली नहीं टूटता। तो अभी हम देखेंगे कि ये उबले हुए वाले जो सीड है उसके अंदर के बीज को हम कैसे ग्रो करें। अगर ये ग्रो हो जाएगा तो हम इसी तरीके से आगे भी ग्रो करेंगे आंवले के सीड्स को, नहीं तो नहीं ग्रो होगा तो कच्चे सीड्स को सुखा कर भी हम आंवले के पौधे लाएंगे। बेसिकली अभी हम इससे ट्राई करेंगे, ठीक है दोस्तों, और इसकी अपडेट भी मैं आपको इजीली दिखाऊंगा। जैसे कि आपको पता होता है कि सीडलिंग के लिए हमें ज़्यादातर ऐसा सीज़न देखना होता है जब थोड़ा बहुत धूप भी निकले और थोड़ा बहुत ठंडक भी हो, तो मार्च फरवरी सबसे बेस्ट होता है सीडलिंग के लिए। या अगर आपको सीडलिंग करनी है तो सबसे अच्छा समय होता है जून जुलाई। तो दोस्तों ये मेरे पास कुछ सीड अभी मुझे मिले हैं, और जैसे कि आपको पता होता है आंवले के सीड काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो इन्हें मतलब अंकुरित होने में भी थोड़ा समय लगता है दोस्तों। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस में सीडलिंग करूँगा। बेसिकली जो आपने कैमरे में अभी आपने देखा कि एक गुड़हल का पौधा था, उसी प्लांट में अभी मैं सीडलिंग करूँगा। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक सीड्स में, जैसे कि आपको पता होगा कि एक आंवले के सीड जो बड़ी सी गुठली टाइप होती है उसके अंदर कम से कम 8 से 10 सीड्स होते हैं। अगर अच्छा मतलब गुठली हो तो दोस्तों अरे मैं स्प्रिंकल करूँगा। स्प्रिंकल आपको ऐसे करना है दोस्तों, कभी भी आपको इकट्ठे सीड का स्प्रिंकल नहीं करना, अलग अलग करके स्प्रिंकल करना है। ये सॉइल काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं ज़्यादातर अपने गुड़हल में जो सॉइल रखता हूँ वो वेल ड्रेन रखता हूँ, ज़्यादा पानी नहीं रहता, ज़्यादा मॉइस्चर उसमें नहीं रुकता है, तो इसमें ईजिली सीडलिंग हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अभी जल्दी मैंने रजनीगंधा का अपडेट दिखाया, काफ़ी अच्छे फूल आया रजनीगंधा में, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखें, सपोर्ट करें। और जिसने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट देखने के लिए। तो दोस्तों चलता हूँ और जल्दी अगली वीडियो आएगी दोस्तों। और अभी बेसिकली कईयों ने मुझसे पूछा था कि उस चैनल पे आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो या जहाँ शॉर्ट फिल्म्स क्यों नहीं डाल रहे हो, तो थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। इस पे भी वीडियो इसीलिए नहीं आ पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो दोस्तों इसकी अपडेट मैं जल्दी आपको दिखाऊँगा कि ये सीड्स ग्रो हुए कि नहीं हुए। अगर ये नहीं होंगे दोस्तों तो फिर उसके बाद मैं अगली वीडियो सूखे जो कच्चे जो बीज होते हैं इनके कच्ची गुठली होती हैं उनसे सीडलिंग करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय। सब्सक्राइब।